Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Everyone, welcome to our YouTube education channel Shikshad Academy. Class 10th Mathematics chapter number 8 is your introduction to trigonometry. In exercise 8.3, question number 6 is your यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम. अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सभी के साथ शेयर करो. आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब आप चैनल को क्या करेंगे, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करेंगे. इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. क्या है, एक सपोज ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी. अब उसके एंटीरियर एंगल देखो, ए बी सी ए आपका ट्रायंगल है, ए इंटीरियर एंगल्स क्या हैं आपके ए बी सी. ठीक है, देन सो दैट आपको यहाँ पे शो करना है साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू आएगा. ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस लेके हम आर एच एस को प्रूव कर देंगे. ए हमें लाना है इसके इक्वल में. तो देखो एल एच एस यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, तो एल एच एस क्या है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो क्या दिया गया आपका साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू. नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद द ट्रायंगल. देखो किसी भी मान लो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. देयरफोर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका 180 डिग्री. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन. अब आप इसको क्या करो, देखो यहाँ से आप बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. कैसे, देखो बी प्लस सी, तो ये देखो ए क्या होगा इस साइड चला जाएगा इस तरह 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया. अब बी प्लस सी की वैल्यू इसमें पुट कर देना है एल एच एस वाले में. एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू है. अब आप इसमें पुट करो, देखो साइन बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय टू रहेगा. हमने बी प्लस सी के जगह पे 180 माइनस टू रख दिया यहाँ पे. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ, इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन दिस एल एच एस ऑफ दिस. ओके, हमने इसमें रख दिया. अब क्या करना है, टू से डिवाइड करो. देखो साइन एज इट इज, अब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 90. देखो इसको इसके नीचे कर दो तो क्या आ जाएगा a बाई टू, आपने अलग अलग कर दिया, इस तरह से आएगा 180 बाई टू माइनस a बाई टू. 180 बाई टू क्या हो जाएगा 90 एंड a बाई टू एज इट इज. अब आपने फॉर्मूला लर्न किया था इस तरह से, साइन थी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कोस थीटा. ओके, एंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा. तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आपको दिख रहा है ए बाई टू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बाई टू. तो क्या आता था, कोस थीटा, मीन्स जो यहाँ पे एंगल दिया रहता था वही, तो हम कोस लिखेंगे यहाँ पे. ओके, एंड थीटा लिखेंगे, थीटा हमारा क्या है ए बाई टू है यहाँ पे. तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. ओके, इज इक्वल टू आर एच एस आ गया आपका. देखो एल एच एस यहाँ पे क्या था, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू हमें प्रूव करना था, वो हमारा आर एच एस में आ गया. आप इस तरह इसलिए लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम. थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन.